जो सोशल मीडिया बच के रहना रे बाबा, ये जो हमारे प्ले का टाइटल है, ये आजकल के जो जनरेशन है, यू कांट इवन से कि आजकल के जनरेशन ये रिलेट करता है यंगस्टर्स, टीनेजर्स और जो हमारे जो बुजुर्ग है, सबसे रिलेट करता है। जैसे हम आजकल जो कोरोना में हम लोग ने सब ने हार्डशिप फेस की है, यू कैन से लाइक 2-2.5 ईयर्स हम लोग सब घर पे थे, सो द कनेक्टिविटी, हमारी जो कनेक्टिविटी सबकी बढ़ चुकी है, इट्स मोर बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। पीपल हैव बिकम सो एक्टिव। जो लोगों को फेसबुक नहीं पता था, इंस्टाग्राम नहीं पता था, आजकल एवरीवन, सब लोग, चाहे बूढ़े बोलो, जवान बोलो, बच्चे बोलो, लाइक एवरीवन इज कनेक्टेड टू द सोशल मीडिया। सो अभी अगर इसका नाम आप सुनते हैं हमारे टाइटल का, लाइक सोशल मीडिया, सो यू नो उसके प्लस पॉइंट्स भी है और उसके माइनस पॉइंट्स भी है, इसलिए हमारा टाइटल है सोशल मीडिया बच के रहना रे बाबा। बच के रहना रे बाबा इसलिए है क्योंकि सोशल मीडिया में जितने भी फ्रॉड्स हो रहे हैं या चीटिंग हो रही है, जितने भी होते हैं, उसके हिसाब से जो खामियाजा भुगतना पड़ता है लोगों को, अवेयरनेस है कि बच के रहना रे बाबा। तो ये हमारा टाइटल ही बताता है कि हमारे इसमें स्टोरी क्या होगी, और इसको हम बड़े कॉमिक वे में बड़े ह्यूमरसली हमने उसको प्रेजेंट किया है, और टॉपिक रेलेवेंट है, और हमारे डायरेक्टर साहब योगेश बघारे इसको बहुत अच्छा डायरेक्ट किए इन्होंने, और हम सभी लोग इंदू भाई, बाकी सारे हम 5 एक्टर हैं और ये हमारे डायरेक्टर हैं, और सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, वेरी हार्ड वर्क हमारे एक्टर्स ने कहा। सोशल मीडिया में इतने एक्टिव रहते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, मॉडल फॉर देम, ये जो प्ले है स्पेसिफिकली इसके बारे में बताइए, व्हाट इज द प्ले ऑल अबाउट? भैया इसका नाम है सोशल मीडिया बच के रहना रे बाबा। तो आपने बहुत वीडियो देखे होंगे, लोग बोल रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी बोलने लगे सोशल मीडिया बच के रहना रे बाबा। तो एक्चुअली हमारा प्ले का टाइटल है, और मैं सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहता हूँ, ट्विटर पे बहुत गालियाँ खाई हैं मैंने, बहुत ट्रोलिंग हुई है मेरी, तो इसीलिए इस बार मैं बिग बॉस का इस बार नहीं कर रहा, तो ज़्यादा नहीं पड़ रही। लेकिन ये जब प्ले मेरे पास आया तो मुझे लगा था ठीक है यार, मतलब ओके, अच्छा प्ले है, मज़ा आएगा। पर जब हम इसे करने लगे और जिस तरीके से डायरेक्टर ने और ये जो प्रोड्यूसर लोग लो, जो इनका बिलीफ था इस प्ले में, तब मुझे समझ में आया कि जो आदमी पढ़ता है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि वो विजुलाइज कर सकता है। जैसे ही स्टार्ट हुआ मैं हंस हंस के गिर गया, होता है ऐसा होने वाला है, तो इससे बेटर प्ले मैंने अपनी लाइफ में नहीं किया। एंड टू वर्क विद यू नो अ लेजेंड लाइक जिमी मोजेस, वो ही इज़ अ स्टैंड अप कॉमेडियन में, मतलब जॉनी भाई, जिमी, दे आर वंडरफुल। तो इन लोग के लिए भी ये प्ले करना हार्ड पड़ रहा है जिमी के लिए, बिकॉज ये इतना लंबा प्ले है, और जिमी इज फैंटास्टिक इन 20 मिनट्स, उसको लग रहा है भाई 2 घंटे, तो उसे 2 घंटे हमें हंसाना है। एंड जब जिमी बात करता है वैसी हंसी आती है। उसके बाद पायल गोगा कपूर, गोगा जी की बेटी, जो कि वंडरफुल है, हमारे पास एक ग्रेटेस्ट कोरियोग्राफर जो चैंपियन है, जिसने सारे ये गाने किए, कौन सा गाना है वो तेरा जो हम लोग डांस करते हैं इसमें, वांटेड नहीं, वो अपना साले गाना देगा शोर बचेगा बचेगा, ये सारे गाने इसने किए। राजीव सुरती बहुत बड़े कोरियोग्राफर हैं, सडनली डिसाइड किया इन्हें एक्टिंग करेंगे, और हमारे साथ ये एक्ट कर रहे हैं। जसप्रीत करके एक लड़की है, फर्स्ट टाइम एक्ट कर रही है, बट उसने भी बहुत जान लड़ाई है। तो द फन अबाउट दिस प्ले आई थिंक फॉर मी, इसके जो भी ये प्ले देख रहा होगा उसको लगे यार ये तो मेरे साथ भी हुआ। बिल्कुल, ये तो बहुत अलग प्ले है। इनफैक्ट जब मेरे पास आई थी, बिफोर इट वेंट टू समबडी एल्स, मेरे पास आई थी पाजी के पास, इसके बारे में डिस्कस किया हमारे राइटर संजय झा, हमारे एक्टर्स इतने बढ़िया हैं, पाजी तो ऑफकोर्स है ही, दिस इज माय फिफ्थ प्ले विद पाजी, मैं इसके बगैर प्ले नहीं करता भाई। पीपल विल लव हिम ऑन स्टेज, जिमी जी ऑफकोर्स इज अ लेजेंड, आई डोंट हैव टू से मच अबाउट हिम, जसप्रीत हैज डन अ ग्रेट जॉब, आई थिंक द होल टीम इज अ लवली टीम। द ओनली थिंग डिफरेंट अबाउट दिस प्लेस, कॉमेडी प्लेस तो मैंने बहुत किया, आई हैव डन 1,000 शोज ऑल ओवर द वर्ल्ड, यू नो डिफरेंट प्लेस, बट द थिंग डिफरेंट अबाउट दिस प्लेस, इट इज समथिंग जो आप भी रिलेट कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकती हूँ, देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन टुडे जो सोशल मीडिया से रिलेट नहीं करता। सो जो भी लाइनें हैं, जो भी हम कर रहे हैं वहाँ पे, हमारी प्रोड्यूसर रूही, जब हमने रूही के पास ये प्ले लेके गए तो रूही सेड मिकदार,
you know, our creative and one of the producers, they've done a tremendous job, you know, and they've supported us throughout. This play is brilliant. I will only request everybody ek bar aake dekhna zaroor. Social media bach ke rehna re baba. Very frankly, I mean, it was difficult in the beginning, but Paji ne, Payal ji ne, aur apne directors ne, jitne bhi cast hai, sab log itna support kiya. And maine kiya tha pehle ek do plays ki thi mein us jagah pe, lekin commercial aisa show nahi kiya tha, comedy. So I think comedy is very difficult. But jo ye mahine mein ya डेढ़ महीने में हमने जो काम किया है, आई मीन मेरा बेस्ट टाइम था लाइफ का, यू नो, या इतना अच्छा लगा क्योंकि टीम इतनी अच्छी थी, स्क्रिप्ट इतनी अच्छी है, मैं अपने आप को खुद एक्सप्लोर कर रहा था. एंड मेरे ख्याल से मुझे कोरियोग्राफी में बहुत हेल्प होगा क्योंकि मुझे समझ में आएगा कि एक्टर्स कौन से थॉट प्रोसेस से गुजर रहा है, तो मुझे भी शूट करने के टाइम पर बहुत हेल्प करेगा. एंड डेफिनेटली हेल्प करेगा मुझे कोई अच्छा डायरेक्टर मिलेगा. और अब तो एक्टर बन गया भाई, अब तो एक्टिंग कर, बट आई एम एंजॉयिंग दिस एक्चुअली. वी हैव वेरी वेरी गुड प्रोड्यूसर्स आल्सो, पूना के हैं, तो इसीलिए हमारा ये प्रीमियर शो पूना में हो रहा है. जेवन ग्रुप है वहाँ, हम पूना में करेंगे, फिर मुंबई आएंगे 12 तारीख को नेहरू में, दिल्ली जाएंगे 4 शो करने, फिर उसका सूरत जाएंगे 2 शो करने. तो बहुत शो इसके ऑलरेडी ब्लॉक होना स्टार्ट हो गए बिकॉज पीपल आर सीइंग द शो, दे कैन अंडरस्टैंड ये क्या होने वाला है. तो आप लोग सब भी देखें, मजा आएगा. एंड अ स्पेशल मेंशन टू आवर प्रोड्यूसर्स, रूही अब्बास इज मिस्टर जे अब्बास इज डॉटर, हु वाज अ लेजेंड इन थिएटर एंड फैमिली टू अस, सो शी इज आल्सो फैमिली एंड आई थिंक शी इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब मेकिंग योर डैड प्राउड. मुझे आपसे ही चाहेंगे कि जब क्या होता है कि जैसे ही आप वो लाइन बोलते हो तो ऑडियंस का इंस्टेंट जो ताली और क्लैप और आता है ना, वो जो खुशी देता है वो एक अलग ही है. मैं रामलीला जाके करता हूँ तो जो प्यार मिलता है वहाँ, दैट इज़ अनरियल. तो ये पिक्चरों में हमें नहीं मिलता. हमें पता है कि हमने पिक्चर की है, पिक्चर हिट हो गई है, चल रही है, लोग बाद में बोल रहे हैं ओ हाय जैक, लेकिन वो मतलब लाइव नहीं दिख रहा, हमने कर दिया. तो पिक्चरों में काम करना ईजी भी है, रीटेक हो सकता है, यार एक और ले लो यार. टी वी में भी रीटेक हो सकता है, एक बार तुम स्टेज पर चढ़ गए तो तीर निकल रहा है, जो निकल रहा है वो निकल रहा है. यस, अभी अभी मेरे साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है. ये जिमी मोसेस जो है, मैं आपको बता नहीं सकता, आज इसकी एनिवर्सरी तो मैं इसको कुछ गाली वाली तो नहीं दूंगा, लेकिन ये इसका कंप्यूटर चलता ही रहता है और जैसे ही कुछ होता है इसका एक और ऐड हो करने को करता है. भाई मेरा बंद कर दे भाई, तो हमें रोड में लाएगा, क्योंकि ये फुल टाइम इसका ब्रेन चलता है 24 घंटे. रात को सोते टाइम भी आई थिंक ये सोचता रहता है, मैं इसको बोला कोई गोली वोली खाया सो जाया कर भाई. आई थिंक दैट्स व्हाई दिस गाइस आर ग्रेट, जॉनी भाई. एंड आई एम सो प्राउड ऑफ जॉनी भाई डॉटर, एंड शी इज ऑल्सो सो मच फन. दिस फैमिली हैज इट इन द जीन्स. भाई आप लोग मतलब ये प्ले यस, बाल गंगाधर रंग मंदिर इन पूना कल. तो जो भी पूना वाले हैं उनके लिए कल 12 तारीख को नेहरू, 12 नवंबर नेहरू. उसके बाद दिसंबर में हम लोग दिल्ली जाएंगे और जनवरी में सूरत जाएंगे और मुंबई में तो बहुत शो होंगे. बिकॉज एक बार ये प्ले जो देखेंगे तब जाके लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहे हैं, हम लोग क्या बोल रहे हैं. खुद का ढोल पीटना ठीक नहीं है, एक कभी कभी पीटना पड़ता है क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है. तो नहीं बोला ट्रू ट्रू ट्रू. आप हमेशा बिग बॉस पे ट्विटर पे काफी कुछ, इस बार कुछ आप ट्वीट्स नहीं कर रहे हो, आप कोई ऐसा पर्टिकुलर रीजन है? पर्टिकुलर रीजन है कि ये लोग ने मुझे लॉक करके रखा हुआ है, सुबह से रात तक बच के रहना रे बाबा. मतलब हमारे लात पैर हाथ सब कुछ दर्द होने लग गया है. तो मैंने ट्राई किया, मैं पिक्चर की शूटिंग कर रहा था गुड़िया और ये लोग अब 6-7 दिन इनके वहाँ से निकाल दिए, 2-4 दिन किधर और से निकाल दिए. तो ये लोग ने पूरा एक महीना रिहर्सल किया, मैं 10-12 दिन उसमें भी नहीं था. आई नीड टू गिव माई होल एंड सोल हेयर. दिमाग भी यहीं चल रहे हैं, थॉट भी इसके आने हैं. जब मैं रात में लेटता हूँ इसके डायलॉग लगा के लेटता हूँ, क्योंकि वो अगर मैं बिग बॉस देखने लग जाऊँगा तो वो 1-1.5 घंटा जो बिग बॉस में चले जाएगा वो सोशल मीडिया में फ़र्क आएगा. ये बहुत हार्ड प्ले है,
ये मेरी लाइफ का सबसे हार्ड प्ले अकॉर्डिंग टू इन फैक्ट यू नो देयर आर सो मेनी थिंग्स राइट नाउ बिग बॉस के एक कंटेस्टेंट साजिद खान पे मैं बात करूँ काफी सारी मी टू मूवमेंट पे चर्चा है यू हैव टू अंडरस्टैंड ये बहुत चर्चा है पर आप लोगों को प्लीज समझना पड़ेगा कि इंसान गलतियों का पुतला है तो जब कोई आदमी गलती करता है इवन कोर्ट लीव्स पीपल आफ्टर 14 ईयर्स आफ्टर मर्डर तो अगर इस साजिद ने कोई गलती की है उसने रिपेंट किया है ऑलरेडी उसने काफ़ी सफ़र कर लिया है तो आई थिंक इफ यू वांट टू चेंज एंड इफ यू वांट टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग वी हैव टू गिव हिम अ चांस हम ये नहीं बोलते साजिद तू घर वो उसका साजिद का घर है वो जहाँ लाइटें लगी ऊपर तो तू वहीं लॉक होकर बैठ जा और निकल नहीं आई थिंक दैट्स रॉन्ग तो उसी लिए इफ़ ही इज ट्राइंग टू चेंज एंड इफ इज ट्राइंग टू बिकम बेटर मैन हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे एक मौका दें मर्डर के बाद भी आदमी छूट Yes, you have to understand. Many people want to say many things, but I'm telling you the truth. कि जब तक ताली दो हाथ से नहीं बजेगी कभी नहीं होगी कोई आदमी यहाँ ज़बरदस्ती कुछ नहीं कर सकता और जो लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं उन्हें भी अपने गिरेबान में जानना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था आई कैन अंडरस्टैंड एक आदमी के साथ रियल भी होगा पर आप देखोगे जो ज़्यादा बोल रहे हैं वो काफ़ी दिखते भी हैं और काफ़ी करते भी हैं तो समझ जाओ मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता आई डोंट लाइक साजिद साइड और एनीबडी साइड आई वांट टू से कि एक गलती आदमी करता है मैंने भी एक यानी हमने कभी क्रिकेट खेला था 13-14 साल हो गए मैं ज़िंदगी में एक बॉल नहीं देखा तो मैं सीख गया ना कि ये नहीं करना है तो वो इंसान जब सीखता है तो मुझे माफ़ कर दे दुनिया ने तो वैसे ही सबको माफ़ करना चाहिए अगर कोई गलती करता है हर इंसान गलती करता है आप करते हैं मैं करता हूँ ये करता हूँ एक आखिरी सवाल मेरा अब तू लिटिल बॉय काफी प्यार मिल रहा है भारत से उनको आप लोग कुछ अगर एक एक लाइनें बोल दे अबाउट दैट बहुत ही क्यूट ही इज जस्ट वेरी क्यूट एंड बहुत ही 19 इयर्स की उम्र में इतना ब्रेनी इतना स्वीट और एक बाहर से आया तजाकिस्तान या कौन सी सर कंट्री से आया और वो यहाँ आके बिग बॉस में हमारे टाइम पे भी क्लॉडिया आई थी उसको इंग्लिश आती थी हिंदी नहीं आती थी क्लॉडिया ने तो 3 महीने पूरी हिंदी सीख ली थी ये भी कोशिश कर रहा है तो हमें ऑलवेज याद रखना आती थी देव भव हमारा जो है ही वी ऑलवेज वेलकम पीपल तो वी लव इट पूरी देश भारत वो हमेशा एक पीस लविंग नेशन है जो सबको साथ लेके चलता है तो वी आर वेरी हैप्पी दैट अब्दुल जी इज़ फुल ऑफ लाइफ बिग बॉस में भी उसने जान डाली हुई है और ये जो गैंग्स बन गई है थोड़ी सी बिग बॉस में थोड़ा सा ट्रबल है लेकिन अब्दुल जो है आई थिंक सबके दिलों में राज कर रहा है इस बार का जो बिग बॉस सीजन चल रहा है आप अपने आप को मिस करते हैं आपको लगता है मुझे भी होना चाहिए था तो मैं ये चीज़ें करता था नहीं ये देखो बिग बॉस जो है ना सीज़न ये ऐसी चीज़ है कि ये कभी भी रिपीट नहीं हो सकता हर चीज़ अलग होगी तो जब से सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस में गए हैं तब से हमें समझ में आता है कि सिद्धार्थ शुक्ला वापस आ नहीं सकता है साथ में तो ही वॉज फिनोमिनल तो ऐसा एक चीज़ जो हमें लगता है बिग बॉस उसके बाद ठीक नहीं होगा तो दो सीजन गए इसके बाद जो हमें लगा यार ठीक है पर इस सीज़न में एक बार फिर बिग बॉस हिट होने लग रहा है तो थैंक गॉड बिग बॉस ने बहुत अच्छा किया है जो बहुत अच्छे कंटेस्टेंट्स को लेके आया वी आर वेरी हैप्पी कि ये शो हिट हो रहा है बिकॉज इसमें फितरत असलियत लोगों की दिखती है और मैंने कृष्णा के साथ एक शो किया वूट पे कृष्णा का शो आई थिंक आ गया कि नहीं आया पता नहीं अभी तक तो वो भी देख नहीं पाया हुए कृष्णा ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया बिग बस जैसे होता था पहले उन्होंने किया बहुत ही बढ़िया वो मैंने शूट किया एक दो एपिसोड जब देखे थे तभी शूट कर दिया था अभी उसके बाद बिग बॉस में बहुत और हो गया है तो यू नेवर नो मेन थिंग ये है कि बिग बॉस जो है वो हर बार हर सीज़न अलग होगा और लोग बहुत खा पी गए हैं तो वो ज़्यादा ब्रेन यूज़ करके चलते हैं लेकिन बिग बॉस उनके आगे सोचता है अभी ऐसा लगता है कि बिग बॉस यानी सलमान खान उनके अलावा कोई होस्ट जो भी आता है लोग इतना देखना पसंद नहीं करते हैं आपके रिएक्शन क्या है इस पर आपको समझना पड़ेगा जब हमारे टाइम पे अमित जी थे तो अमित जी वॉज जस्ट फिनोमिनल फैंटास्टिक हमें नहीं लगता था अमित जी से बेटर कोई हो सकता है पर अमित जी को बहुत हार्ड पड़ रहा था खंडाला जाना वापस आना हर वीक दो बार जाना तो उन्होंने कहा मैं नहीं कर पाऊंगा अगला सीज़न और सलमान भाई आए दे हैड टू टेक समबडी बिगर देन अमिताभ बच्चन देयर इज नोबडी बिगर देन अमिताभ बच्चन पर सलमान भाई वॉज अ गुड रिप्लेसमेंट टूडे सलमान भाई ऑल्सो रियलाइजेज कि उनकी चाहे कितनी भी बड़ी कोई हिट हो जाए टाइगर जिंदा है हो जाए जो मर्जी हो जाए जहाँ जाते हैं लोगों ने भाई बिग बॉस में क्या हो रहा है तो सलमान भाई ऑल्सो रोज के पूरा इंडिया सलमान भाई को जो इतना बड़ा सुपरस्टार बन गए हैं इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू बिग बॉस बहुत फ़र्क पड़ता है उससे एंड सलमान भाई के दिल के बहुत करीब है बिग बॉस आई थिंक ही इज सफरिंग फ्रॉम लिटिल मॉस्किटो एक मच्छर साला आदमी को हीड़ा बना देता है इट्स अनरियल कि ये मच्छर का क्या करें हम बट आई होप ही गेट्स वेल वेरी सून ही यूज़ टू फुली रेस्ट जब आपको डेंगू हो जाए तो आपको समझ पड़ेगा आपको बिल्कुल नहीं हिलना 2 दिन आप नहीं हिलोगे इलेक्ट्रोल पियोगे तो आप ठीक हो जाओगे पर अगर आप हिले
It's very dangerous. I hope Salman gets well and comes back soon. Nobody can replace him. Done.